हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 11 नई वोल्वो बसें शामिल हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कैथली घाट से 11 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक बस की कीमत 125 करोड़ रुपए के लगभग की है। सरकार प्रदेश और प्रदेश के बाहर धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए लोगों को वोल्वो बस सेवा देने जा रही है। आज शिमला से मनाली के लिए दिन के समय वोल्वो बस सेवा शुरू की गई। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राजस्थान के जयपुर के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करना चाहते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद श्रीनगर के लिए भी वोल्वो बस सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने इसके अलावा बताया कि टापरी से चंडीगढ़, चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और शिमला में 20 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 75 सिटी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वोल्वो बस के बेड़े को एचआरटीसी बढ़ा रहा है और अवैध रूप से चल रही वोल्वो बसों पर नकेल कसने के लिए सरकार तमिलनाडु हाईकोर्ट के कानून को हिमाचल में लागू कर रही है और अवैध वोल्वो बस चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। आज हमने 11 गाड़ियां जो है वोल्वो के जो हमारा फ्लीट है उसमें शामिल किए हैं और इसी के साथ हमारे पास वोल्वो का टोटल जो ऑपरेशन है 98 बसेस का हो गया है। 98 बसेस हो गए हैं जिनमें 65 बसें पहले हमारी चल रही थी और 11 हमने उसमें ऐड कर दी। 76 बसेस हमारे अपने फ्लीट में वोल्वो की हो गई हैं और लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की ये बस है और पूरी तरह सारी फैसिलिटीज से लैस है ये बसेस। को कहाँ भेजना है वो तो लगातार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन हम जो बसेस आने वाले टाइम में सोच रहे हैं चलाने के लिए, एक तो हम जयपुर के लिए बस चलाना चाह रहे हैं शिमला से जयपुर, और एक हम श्रीनगर को बस चलाना चाह रहे हैं सब्जेक्ट टू हमें क्लियरेंस मिल जाएगा सिक्योरिटी की कि वहाँ से कि बस को जो है क्लियरेंस मिल जाए कि उसको भेजा जा सकता है। तो एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं और एक हम टापरी से चंडीगढ़ बस लाने जा रहे हैं, एक हम चिंतपूर्णी से दिल्ली बस चलाने जा रहे हैं। तो इस ढंग से बसेस जो है नई बसेस उनको आज हमने रवाना कर दिया और आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ और जो है आगे चामुंडा जी, इन सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे, हम इनको अपने फोकस में रख के चल रहे हैं। और दूसरी तरफ भी हम आप देख रहे हैं कि चाहे वो हरिद्वार को जाना है, चाहे वो खाटू श्याम को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, इसके बारे में हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं ताकि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। उस हिसाब से बसेस की प्लानिंग चल रही है। अपना वोल्वो का बेड़ा तो जितना हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो तो लगातार हमें करना ही है, उसके लिए तो हम प्रयास करेंगे ही। और जो हमारे साथ लीजेस पे बसेस जुड़ी हुई हैं उनको भी हम ऑपरेशन में अभी रखने के पक्षधर हैं, हमारा परिवहन मंत्रालय। तो उसके अलावा जो बसेस की आप बात कर रहे हैं, आज ही आने से पहले अब हमने फाइल साइन किए हैं, हम तमिलनाडु हाईकोर्ट का एक फैसला है वहाँ मद्रास का, उसको हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इन बसेस के और जो इलीगल चल रही हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए और उसका जो है कानून जो भी बनना है उसके लिए आज हमने कदम उठाए हैं।
पास धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसेस हमारे पास पहुंच गई हैं, धर्मशाला में ये ऑपरेट होंगी। और ये बसेस मुख्यमंत्री जी इनको जो है प्लग ऑफ करेंगे आने वाले कोई कुछ दिनों के अंदर, जो भी तारीखों के ऑफिस से निर्धारित होगी, तो वहाँ 15 बसेस वहाँ चलेंगी और 20 बसेस शिमला में चलेंगी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हम टू बिगिन विद जो है 75 इलेक्ट्रिक बसेस, सिटी बसेस खरीदने यहाँ जा रहे हैं ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। कोरोना काल में हमारी आय काफ़ी गिर गई थी HRTC की, लेकिन हमारे जो है प्रबंधन ने, खासतौर पे हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स ने पूरी मेहनत करके उसको लगभग 65 करोड़ पे पहुंचा दिया है और हमारा खर्चा जो है लगभग 144 करोड़ रुपया है। तो हमारा शॉर्टफॉल जो है 69 करोड़ के आसपास चल रहा है, और जिससे कि हमें कर्मचारियों के अब वेतन देना है और पेंशन देने हैं। मैं तो अपने कर्मचारियों का, पेंशनर्स का बहुत आभारी हूँ, बहुत कॉपरेट कर रहे हैं कि अभी भी आपने देखा सैलरी में थोड़ा डिले हो गया और काफ़ी डिले हो गया, लेकिन हमने सैलरी तो उनकी कर दी है। पेंशन का भी अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, रास्ते में ही 9 करोड़ रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल था, 60 करोड़ रुपया दिया था लेकिन 9 करोड़ और चाहिए थे, वो भी हम सरकार से लेके। तो पेंशन की है जो हमारी लाइबिलिटी है उसको भी हम। हिमाचल बस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।